माय चैनल ईई किचन्स। फ्रेंड्स, बच्चों को खाना खिलाना और ऊपर से ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना हर माँ के लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है। आज मैं आपके साथ ऐसे स्नैक्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी कि बच्चे चपाती और ग्रीन वेजिटेबल से बने ये स्नैक्स आपसे खुद मांग मांग कर खाएंगे। बहुत ही यमी स्नैक्स बनते हैं। इसको हम स्पिनच यानी पालक यूज करके बनाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी बनाना। जल्दी से पालक पनीर रोल बनाने के लिए पहले हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा बटर लेंगे। बटर मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल आधा छोटा प्याज कट करके रखा है, छोटा सा टुकड़ा अदरक का चॉप किया है और एक हरी मिर्च है। पहले हम थोड़ा सा प्याज को कुक करेंगे। ज्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा बस इसका हम कच्चापन दूर करेंगे। अब हरी मिर्च और अदरक भी डाल देंगे इसमें। ये देखिए हैंडफुल मेरे पास है पालक के पत्ते, इनको अच्छे से वॉश कर लिया मैंने और छोटा छोटा कट किया है। थोड़ा सा बटर में इसको कुक कर लेंगे। थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लेंगे। हरी मिर्च डाली है तो मैं लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं करूंगी। हल्की सी हल्दी डाल लेंगे 1/4 टीस्पून जितनी। थोड़ा धनिया पाउडर, आप चाहे तो थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट पालक को हम कुक करेंगे। हैंड फुल जितनी, मतलब एक कटोरी जितनी पालक थी, पकने के बाद बहुत कम हो गई। और ये देखिए 100 ग्राम इसमें मैं फ्रेश पनीर ऐड करूंगी। अब नमक मिर्च आप पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें चेक कर सकते हैं, कम लगे तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीजों को हम। और ये हमारी बढ़िया सी स्टफिंग रेडी हो गई। इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में, थोड़ा ठंडा होने देंगे। प्लेट में निकाल लिया मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास पिज्जा चीज है छोटा छोटा कट किया हुआ, इसको भी ऐड कर लेंगे। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ये रोल, हेल्दी भी है और पसंद भी सबको आ जाता है। बस इसको साइड पे कर देंगे। हेल्दी रोल बनाने हैं हमने तो। ये देखिए, ये मेरे पास गेहूं का आटा है। ये बिल्कुल नॉर्मल आटा है जो हम चपाती के लिए यूज करते हैं, उसी तरह का हमने इसको गूंदना है। ना बहुत ज्यादा टाइट और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट। अब छोटी सी इसकी एक लोई ले लेंगे और ये सूखा आटा लगाकर चपाती के जैसे इसको बेल लेंगे, बहुत पतला सा। ये देखिए पतली पतली चपातियां मैंने बेल ली। जितने भी रोल हमने बनाने हैं, चपातियां बना लेंगे पहले, बेल लेंगे हम। अब ये देखिए इस तरह से इस स्टफिंग को हम इसके बीच में रख देंगे। और अब इसको फोल्ड कर लेंगे। पहले हम ये इसकी साइड्स इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारी स्टफिंग कहीं से भी नहीं निकलेगी। थोड़ा सा अब एजेस पर पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से चिपका देंगे। ये बढ़िया सा रोल हमारा रेडी हो गया, साइड पे रख देंगे। बाकी में भी इसी तरह से स्टफिंग स्टफ कर लेंगे हम। तीन
तीन रोल मैंने रेडी कर लिए। फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाकर इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और खाते टाइम आप इसको फ्राई कर लीजिए। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक हम इनको इसी तरह से पकाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये कितने क्रिस्पी बन रहे हैं। बस धीमी आंच पर कभी इसको मतलब हर साइड से पकाएंगे हम, ताकि ये बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं। ऊपर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, जो कि और भी इसके टेस्ट को बढ़ा देगा। बढ़िया से हेल्दी पालक पनीर रोल बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, ये हेल्दी बहुत है, क्योंकि हमने इसको मैदे से नहीं गेहूं के आटे से बनाया है। ट्राई कीजिए, बहुत ही पसंद आएंगे आपको। और कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। Thanks for watching my video.